नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के कक्षा 12वीं का न्यू जो सिलेबस जो कटआउट किया गया है, उसके आधारित जो न्यू ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया गया है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में बोला, सर के ब्लूप्रिंट का भी ऊपर भी वीडियो बना दो, या ब्लूप्रिंट कहाँ से मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आप ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए देखते हैं नए नवीनतम ब्लूप्रिंट पर क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिया, और साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो से जल्दी से जल्दी लाइक करो, इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो आपके डिमांड पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लगभग 30 से 40% कटौती पर आधारित है ये, है ना। वर्ष 2020-21 हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न पत्र का नवीनतम ब्लू प्रिंट है ना, रसायन कक्षा 12वीं। समय आपका रहेगा दोस्तों इसमें 3 घंटे का, और पूर्णांक होगा इसमें 70 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में और प्रायोजना में रहेगा। ये कक्षा 12वीं के रसायन के ब्लू प्रिंट का आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में है क्या चीज़ इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिया होगा क्रमांक, ये क्रमांक आप देख रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इकाई एवं विषय वस्तु दिया है। इकाई एवं विषय वस्तु के बाद देखते हैं हम अंकों का भार। अंकों के भार के बाद देखेंगे अति लघुतरी, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें, लघुतरी जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और एक और लघुतरी होता है जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक दीर्घ उत्तरी जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और एक दीर्घ उत्तरी जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों टोटल प्रश्नों की संख्या को यहाँ पर हम बताया जाएगा, उसके बाद कुल अंक आपको बताया जाएगा यूनिट वाइज। ठीक है, तो देखिए पहला जो है, फर्स्ट पहला ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए केवल ओनली एक ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकंड विलयन, विलयन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1, और 3 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और आपका अंक होगा 5। विद्युत रसायन की बात करें तो विद्युत रसायन दोस्तों यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम बात करें तो एक ही यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 1। अब हम चलें सेकंड रासायनिक बल गति की या काइनेटिक्स के अंदर, तो यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और देख सकते हैं आप लघुतरी से 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद लघुतरी से 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद यहाँ से 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 2, और टोटल अंक हो गए आपके 5। ठीक है, टोटल अंक हो गए आपके 5। उसके बाद हम चलते हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन दोस्तों जो है वहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, और 3 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल दोस्तों हो गया 2 प्रश्न, और 2 प्रश्न टोटल नंबर हो गया आपका 4। तो दोस्तों ये जो आपका केमिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपके 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपका पी ब्लॉक से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 19 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पी ब्लॉक से दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा पी ब्लॉक के लिए, और 3 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल दोस्तों प्रश्न की संख्या हो गई वो 3 है, और टोटल अंक हो गए आपके 8। अब डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ही डी ब्लॉक से एक ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और टोटल प्रश्नों की संख्या 1। उसके बाद हम चले उप संयोजन यौगिक से अंतर्गत, तो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स तथा हेलोएरिन्स की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ अंकों का द्विभाग 3 है, तो 3 मार्क्स के लिए केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हेलो एल्कोहल फिनॉल तथा इथर की बात करें, चैप्टर 10 जो है वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 मार्क्स के लिए आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके टोटल इस तरह से प्रश्न होंगे 3। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक की ओर। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑर्गेनिक की ओर एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बात करें तो यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के लिए आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के लिए 1 भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और 4 मार्क्स के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 4 और टोटल अंक हो गए 12। ठीक है, अब हम चले चैप्टर 12 की ओर। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन की बात करें तो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हो गए आपके 3 क्वेश्चन, देख सकते हैं 3 क्वेश्चन और टोटल जो आपके नंबर है यहाँ से 5 हो गए। अब बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं होगा और 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल इस तरह से प्रश्नों की संख्या 2 हो गई और देख सकते हैं आपका योग दोस्तों आपका 70 नंबर का होगा और आपके यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपके 10 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन होगा और 36 के लिए 36 के नंबर के लिए आपका 12 क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स के लिए आपका एक क्वेश्चन होगा और 15 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से टोटल जो प्रश्न होंगे वो आपके होंगे 26 और इस तरह से आपका जो पूर्णांक होगा वो होगा 70। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।